ओके दर्शकों, आप सबके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आज की इस वीडियो में आप सभी से बताने वाला हूँ, जब आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हो अपने फ़ोन पे, अभी आपके फ़ोन पे कॉल आ जाता है और सामने में एनिमी रहता है, जब आप कॉल पे क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे होम पेज पे ले जाता है, कॉल के होम पेज पे, तभी आपको एनिमी क्लिक करके चला जाता है। तो किस तरह कॉल को बैकग्राउंड में चला सकते हो, जब आपको कोई सा इमरजेंसी कॉल आता है तो आप कॉल को भी पिकअप कर सकते हो, मतलब उठा सकते हो कॉल को, और साथ ही साथ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भी खेल सकते हो इसी तरीके से। तो किस तरह से आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हो, जो कि ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने फ़ोन पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हो तभी आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं आपके फ़ोन पे, उस मैसेज को देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो आपको पिछले वाले वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, जो कि उस वीडियो में बताया हूँ किस तरह से आप सारे मैसेज को डिसेबल कर सकते हो। जब आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हो अपने फ़ोन पे तो आप सारे मैसेज को डिसेबल कर सकते हो, बंद कर सकते हो, जिससे कि आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आराम से खेल सकते हो। आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हो अपने फ़ोन पे तभी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल आने लगता है, जब कॉल को रिसीव करते हो तो कॉल का होम पेज पे आपको शो होने लगता है, या तभी आपको एनिमी क्लिक करके चला जाता है, जब आपके सामने में एनिमी होता है तो आपको क्लिक करके चला जाता है। तो किस तरह से कॉल को बैटल ग्राउंड मोबाइल के बैकग्राउंड में चला सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आप सभी को दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉल आ चुका है, तो यहाँ जैसे मैं इसको रिसीव करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉल चला गया यहाँ पे होम पेज पे, कॉल का होम पेज पे। तो कैसे कॉल को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैकग्राउंड में चला सकते हो, जो कि इजी तरीका आप सभी को बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आ चुका अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, आपके फ़ोन में एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे गेम टर्बो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे MI फ़ोन और पोको फ़ोन में ये फीचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके यहाँ पे आपको प्लस का आइकॉन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ एड गेम, सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से आपको गेम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं बैक चला आया, ठीक है। तो जैसे कि ये आ चुका है गेम, सिंपली आपको राइट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सारे को इनेबल कर देना। जैसे कि आपको अगर ये बंद रहेगा तो सिंपली इसको इनेबल कर देना है, सारे को इनेबल कर देना है। तो जब आपको कोई भी कॉल करेगा तो आप कैसे ये बैकग्राउंड में चलेगा फ़ोन, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो सिंपली आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एंसर कॉल हैंड फ्री, सिंपली इसको इनेबल कर देना है। अगर आपको ये इनेबल नहीं है तो आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना है। जब आपको कोई कॉल करेगा और वो कॉल इंपॉर्टेंट होगा तो यहाँ पे BGMI के बैकग्राउंड में वो कॉल चलेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हो कॉल आ चुका, जैसे मैं इस कॉल को रिसीव करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल के इंडिया के बैकग्राउंड में ये कॉल चल रहा है, किस तरह से आप इनेबल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चल गया होगा, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद है। पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।